श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिला बड़ा सबूत, जांच अधिकारी का दावा, खोजबीन के दौरान 20 नवंबर को मिला जबड़ा, ये श्रद्धा का हो सकता है। पुलिस की खोज के दौरान जबड़े का श्रद्धा का इलाज करने वाले डेंटिस्ट से कराया जा रहा है चेकअप, रूट कनाल के लिए श्रद्धा ने डेंटिस्ट से किया था संपर्क। तफ्तीश के दौरान आफताब की निशानदेही पर बरामद की गई हड्डियां, ये भी श्रद्धा की हो सकती है, जांच में जुटी है सीएसएफएल की टीम। आफताब के फ्लैट में बाथरूम में मिले श्रद्धा की हत्या के सबूत, टाइल्स पर मिले खून के निशान, सीएसएफएल की टीम कर रही है जांच। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए बनाया था नक्शा, आफताब के फ्लैट से नक्शा भी पुलिस ने बरामद किया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने जज के सामने कबूल किया गुनाह, कहा जो गलती की वो गुस्से में की। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत 4 दिन बढ़ी, पुलिस को अभी भी आफताब से जानने हैं कई सारे राज। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस के अनुसार आफताब ने आरियो ब्लेड का किया इस्तेमाल, आफताब ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी आरी। पुलिस ने कहा महरूली के कूड़ेदान में आफताब ने फेंका था चॉपर, पुलिस को छानबीन में अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई जहां से खरीदा गया था हथियार, हार्डवेयर की यह दुकान है, आफताब के घर से 250 मीटर दूर है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस को मिल गई है इसकी आज्ञा। आज संभव है नार्को टेस्ट, 50 सवालों की लिस्ट भी तैयार है। आफताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश जारी, पुलिस को खोपड़ी का निचला हिस्सा यानी कि जबड़ा मिला। खोपड़ी की शिनाख्त के लिए श्रद्धा के डेंटिस्ट से बात कर रही है पुलिस, श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट लिया था। जंगल की छानबीन में पुलिस को 3 और हड्डियां मिली, डीएनए मिलान से सबूतों पर लग जाएगी मुहर। श्रद्धा केस में ड्रग्स कनेक्शन की भी जांच है, पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। श्रद्धा हत्या में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा केस को बताया दुर्घटना, कहा एक धर्म को बना दिया गया टारगेट। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने किया पलटवार, कहा यह बयान शर्मनाक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रद्धा के पिता से की मुलाकात, वसई में उनके घर जाकर मिले। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज मामले का बीजेपी ने फिर से उठाया मुद्दा, बीजेपी का दावा किसी डॉक्टर से थेरेपी नहीं बल्कि जेल में कैदी से मसाज करा रहे थे मंत्री सत्येंद्र जैन। बीजेपी ने कहा जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाले का नाम रिंकू है, रिंकू नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद है। बीजेपी ने इससे पहले तिहाड़ जेल के 13, 14 और 21 सितंबर के सीसीटीवी वीडियोस भी जारी किए, तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की मौज मस्ती का उठाया था मुद्दा, मसाज करने का लगाया था आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर केजरीवाल से सवाल किया, नाबालिग से रेप के आरोपी रिंकू से मंत्री जैन मसाज कराने पर आप चुप क्यों? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने खुलासे पर किया सवाल, ये रिश्ता क्या क्या लाता है? हरीश खुराना ने कहा पहले सुकेश और अब रेप का आरोपी रिंकू, ये सिद्ध हो चुका है कि अपराधियों से हैं आम आदमी पार्टी के रिश्ते। अलका लांबा ने किया ट्वीट, डूब मरो केजरीवाल, बच्चियों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में उतर आओगे। जैन से जुड़े आरोप पर बोले केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय 15 साल की नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी रोज ला रही है फर्जी स्टिंग, बीजेपी भागती रहेगी, हम सवाल करते रहेंगे, 4 दिसंबर को जनता जवाब दे देगी। बदनाम किया है बदनाम करेंगे, केजरीवाल का क्या नारा है काम किया है काम करेंगे, सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले जेल में रेप के आरोपी मंत्री की मसाज देखकर शर्मसार है लोकतंत्र, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने तो बेशर्मी भी पानी मांगती है। कि मुझे माफ कर दीजिए,
जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। केजरीवाल ने भी कहा था जेल में जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, फिजियोथेरेपी करवा रहे थे जैन। सत्यन जैन ने लगाई अदालत में अर्जी, फलाहार और सलाद न देने का लगाया आरोप। एमसीडी चुनाव में बागियों के विरुद्ध बीजेपी का एक्शन, 11 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को अदालत से जमानत, बाहुबली मुन्ना सिंह के साथ डांस और फायरिंग के वायरल वीडियो केस में मिली जमानत। अक्षरा सिंह के घर के बाहर फरारी का नोटिस चिपकाती दिखी लालगंज पुलिस। सरकारी नौकरियों को लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान पार्ट टू, रोजगार मेले में आज बांटे 71,000 नौकरियों की नियुक्ति पत्र। 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली एनसीआर का दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चेतावनी के बाद पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत की सीमा में दाखिल हो रहा था, बीएसएफ को चलानी पड़ी गोली। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने फिर उठाया मौलवियों को 42,000 रुपए वेतन देने का मुद्दा, पुजारियों के लिए भी मासिक वेतन की मांग की, मंदिरों पर दिखे पुजारियों के लिए वेतन की मांग वाले पोस्टर। तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए खबर दिखाए जाते ही मौलवियों की सैलरी वाला पोस्टर मंदिर से हुआ गायब, शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी ने आप पर पोस्टर हटाने का लगाया आरोप, का फिर लगवा रहे हैं पोस्टर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने फोन बजने पर बीकानेर के कलेक्टर को बैठक से बाहर निकाल दिया, कर्मचारियों ने किया विरोध। मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्टर की बैठक से बाहर निकलने पर दी सफाई, कहा बीकानेर के कलेक्टर लगातार फोन पर व्यस्त थे, समस्याओं से जुड़े संवाद को नजरअंदाज कर रहे थे। और जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है तो ध्यान नहीं देना, या क्या प्रॉब्लम थी उनकी उन्होंने ये भी नहीं बताया, तो एक तरह से क्या है इग्नोर करना, तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के विरुद्ध नारेबाजी, कब्रिस्तान की उपेक्षा पर फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी के देवरिया में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे डीएम, दराज खुलवा कर बोले पैसे तो नहीं है ना इसमें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व मंत्री हेमंत कोठारी का वीडियो वायरल, कहा पार्टी में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता महत्व। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर चला बुलडोजर, गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तोड़ दिए 5 मकान। हैदराबाद में खौफनाक वीडियो, तेज रफ्तार कार की चपेट में 2 पत्रकार आए, 1 की मौत हुई। सीसीटीवी में कैद सड़क हादसा, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते वक्त दोनों पत्रकारों को गाड़ी ने कुचल दिया। हादसे में एक पत्रकार की मौके पर मौत, जबकि दूसरी महिला पत्रकार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइन, धक्का मुक्की और हाथापाई तक हुई। सीहोर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी, बैठ गए वहीं पर। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने गौ तस्करों से मुठभेड़, 3 को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के चिटहेटा गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति की कुर्की, कानपुर इनकम टैक्स के विभाग ने ढोल पर मुनादी की, संपत्ति कुर्क। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान विवाद, सरेआम सड़क पर 2 पक्षों के बीच फायरिंग, 22 राउंड गोलियां चली, 32 लोगों पर केस दर्ज। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विरोध किया, पुणे में किया विरोध प्रदर्शन। आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, औरैया के पास डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बस, 6 यात्री घायल। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, लूनी में बुजुर्ग दंपति की हत्या। ठाणे में कार में आग,
ने दो ऑटो रिक्शा को भी अपनी चपेट में लिया, तीनों गाड़ियां खाक। मुरादाबाद में अस्पताल में डेंगू पीड़ित मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की कमी से किसान परेशान, खाद बिक्री केंद्र पर रात रात भर लगा रहे हैं लाइन। नशे में था वैशाली में 12 लोगों को रौंदने वाला ट्रक ड्राइवर, जांच में खुलासा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक्शन, मास्टरमाइंड आनंद उर्फ गौरव के घर की कुर्की। धान खरीफ केंद्र खोलने की मांग को लेकर हुआ उग्र किसानों का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत, पथराव, तोड़फोड़। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में कोच अटेंडेंट कर रहे हैं शराब की तस्करी, कानपुर जीआरपी ने शराब के साथ गिरफ्तार किए 3 कोच अटेंडेंट। दिल्ली एयरपोर्ट से मिले 16 लाख कैश, सीआईएसएफ ने किया ट्रॉली बैग से बरामद। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकारी नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग। पटना में सिलेंडर धमाका, 3 लोग घायल, घर में लगी आग। ट्रैकिंग गए लापता व्यक्ति की तलाश जारी, फ्रेंडशिप पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन की आई तारीख, 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे दाखिले। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद सरकार सख्त, आई के द्वारा अब जांच होगी, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन। केरल के राज्यपाल का राज्य सरकार पर फिर निशाना, बोले चांसलर के पद से नहीं दूंगा इस्तीफा। राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देगी कांग्रेस, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति सीज, यूपी सरकार ने 4,40,00,000 की संपत्ति पर ताला लगा दिया। यूपी के बाराबंकी में सड़क सुरक्षा को लेकर उनकी पहल, पुलिस वालों के साथ रोड पर उतरे यमराज। उत्तराखंड में मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र, राज्य को 74 नए वेदर स्टेशन की मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। रायबरेली में चलती कार में आग, बाल बाल बचे सवार। उड़ने के पहले की केस में 3 बदमाश नपे, पिटाई का वीडियो वायरल कर पुलिस ने दबोचा था। पेट्रोल पंप पर सरेआम डकैती, 4 डकैतों ने चाकू दिखाकर 2,00,000 रुपए लूट लिए। राजस्थान के जोधपुर में व्यक्ति ने छीनी चालान मशीन, हेलमेट न होने पर पुलिस के रोके जाने से नाराज था। अनाथ बेटियों के लिए फंड जुटाने के लिए फ्रॉड का खुलासा, 7 अनाथ बेटियों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की हुई क्राउड फंडिंग, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की लाश मिलने से हड़कंपा, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कर्मचारी के घर, 5,00,000 की चोरी, दरवाजा तोड़ ले उड़े पैसे। और शामली में पति ने आवाज संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागपत के जंगल में युवक की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस शिनाख्त में जुटी। रीवा के जंगल में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, मामले में एक गिरफ्तार। यूपी के बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 4 लोग घायल। उधम सिंह नगर में व्यक्ति को पेड़ से बांधने के बाद उसकी पत्नी और भतीजी के साथ किया गैंगरेप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सांसद के घर चोरी, अलमारी में रखे जेवरात, कैश लेकर चोर फरार। राजस्थान के भरतपुर में विवाहित महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस की सफलता, आजमगढ़ से 2 अवैध हथियार बनाने वालों को गिरफ्तार किया। पंजाब से गुजरात ले जाए जा रहे 70,00,000 की शराब जब्त, 4 गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में तेज रफ्तार वाहन ने ससुर दामाद को कुचला, अपने पिता का दाह संस्कार करके दोनों लौट रहे थे। बिहार के आरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में 5 को गिरफ्तार किया गया।
तेलंगाना के वानापर्थी में भीषण सड़क हादसा, बस गन्ने से लदे ट्रैक्टर में जा रही थी घुस गई। हादसे में 3 की मौत, 10 घायल।